दिल्ली में लॉकडाउन के बीच ईस्ट किदवाई नगर में रहने वाली महिला ने पुलिस की जिप्सी में एक बच्चे को जन्म दिया है। बच्चे और महिला दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं। महिला को पुलिसकर्मी जिप्सी से अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने बच्चे को जन्म दे दिया। दक्षिणी दिल्ली के DCP अतुल ठाकुर के मुताबिक बुधवार शाम को करीब 7:30 बजे PCR को कॉल मिली कि एक गर्भवती महिला को एम्बुलेंस और पुलिस की मदद की जरूरत है। इस कॉल पर कोटला मुबारकाबाद थाने में तैनात ASI राजेश, कांस्टेबल भूप सिंह, कांस्टेबल पूजा तुरंत जिप्सी लेकर पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने लेबर पेन से परेशान 28 साल की मंजरी खातून नाम की महिला को गाड़ी में बिठाया और सफदरगंज अस्पताल के लिए निकल पड़े, लेकिन मंजरी खातून ने रास्ते में पुलिस की जिप्सी में ही एक बच्चे को जन्म दे दिया। इसके बाद पुलिस ने महिला को सफदरगंज अस्पताल में भर्ती करा दिया। पुलिस के मुताबिक महिला और उसकी बच्ची दोनों स्वस्थ हैं। लॉकडाउन के बाद पुलिस कंट्रोल रूम में मदद के लिए कॉल आते रहते हैं। दिल्ली पुलिस की PCR वैन लॉकडाउन के बाद अब तक 232 गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचा चुकी है। वैन में बच्ची को जन्म दिया गया है। महिला को वैन से अस्पताल ले जाया जा रहा था कि रास्ते में ही उन्होंने बच्ची को जन्म दे दिया, जिससे पुलिस वालों को सूचित किया गया कि महिला के लिए तत्काल एम्बुलेंस की आवश्यकता है। महिला किदवई नगर में मजदूरी की बस्ती में रहती है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एक महिला कांस्टेबल सहित 4 पुलिसकर्मी 28 वर्षीय गर्भवती महिला को EVR में लेकर सफदरगंज अस्पताल ले जा रहे थे। उन्होंने बताया कि रास्ते में महिला ने वैन में बच्ची को जन्म दिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि बाद में महिला और नवजात बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आपने एम्बुलेंस को कहा था, एम्बुलेंस आया थी नहीं आई थी आपके पास? नहीं आई। कौन ले गया था आपको हॉस्पिटल? ले गया था यहाँ से? नहीं, वहाँ घर से? घर से पुलिस ले गया। तो आप क्या कहना चाहते हैं पुलिस वाले को? पुलिस वाले को आप क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू कहना चाहते, बहुत अच्छा। प्रकाल लाइन बीजी बता रहा था, 8 बजे रात का समय था, इसलिए कॉल बीजी बता रहा था। पुलिस वाले को कॉल किया मैंने, तो उसने हेल्प की। हमारे अस्पताल में क्योंकि सारी सुविधाएं वैसे ही चल रही है, OPD चल रही है, क्योंकि 2 दिन छुट्टी थी तो आज OPD में 2000 के करीब मरीज आए। हमारे लिए चैलेंज था कि वो 2000 मरीजों में वो जो डिस्टेंस है, सोशल डिस्टेंस, वो मेंटेन करना। उसकी वजह से धीरे धीरे मरीजों को अंदर भेजा गया, तो OPD भी चल रही है नॉर्मल हमारी, और आज रश ज्यादा ही था छुट्टी की वजह से। इमरजेंसी राउंड द क्लॉक है, डिलीवरी भी राउंड द क्लॉक है। बस जो एक चीज हम लोग ने रोकी है वो है रूटीन सर्जरी, जो कि अभी कोरोना की वजह से इंडिकेटेड भी नहीं, और वैसे भी इमरजेंसी ऑपरेशन हमारे 24 घंटे चलते रहते हैं। बाकी सारे डिपार्टमेंट्स वैसे चल रहे हैं, और क्योंकि कई अस्पतालों में OPD, जो बड़े हॉस्पिटल्स में OPD नहीं चल रही, तो इसलिए वहाँ की हमारी OPD में और इमरजेंसी में रश ज्यादा है। मैम देखा है, 2 परिवार ऐसे थे मैम जो आप लोग के गुण गाते भी नहीं थक रहे, उनका ये कहना है कि दोनों परिवार की लाल बहादुर डॉक्टर भगवान के रूप में बन गए। मैम अभी जो पुलिस के तरफ से जो PCR तो क्विक रिस्पांस दे रही है, मैम आप लोग किस तरह से आप लोग रिस्पांस कर रहे हैं, क्या क्या आप लोग वहाँ उनको कर रहे हैं? हमारी टीम जो इमरजेंसी पे है वो हमेशा ही अलर्ट रहती है, और उनका मतलब ये उनको स्पेशली ये डायरेक्शन है कि कोई भी मरीज जो डाउन टाइम है, मतलब जब आए उससे बाद प्रॉम्प्टली उसको रिससेस्टेट या जो भी जरूरत है जल्दी से जल्दी करे। और हमारी टीम एज सच इज ऑलवेज अलर्ट। फ्लू क्लिनिक अलग चल रही है हमारी 24 घंटे, जो कि उसमें आ रहे हैं 300-400 मरीज रोज डेली बेसिस पे। और बाकी हम लोग जो हमारे बाकी पेशेंट्स हैं जो रेफर भी हो रहे हैं कई जगह से, वो सब हमारे हॉस्पिटल में भी ऐसे। मैम जिस तरह से पब्लिक आप लोग को भगवान के रूप देख रही है, उन पब्लिक के बारे में क्या आप संदेश जाती है, क्या उनको कहती है, कैसे बचे कोरोना से, कैसे क्या करता है? जैसे कि आजकल आमतौर पे ये बोला गया, एक तो सबसे बड़ी चीज है सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब चाहे 6 फीट का अगर खांसी किसी को है, नहीं तो कम से कम 1 हम लोग बोलते हैं मीटर का डिस्टेंस तो मिनिमम रखना ही चाहिए। और दूसरा ये है कि एटिकेट्स, जैसे सोशल एटिकेट्स बोला, फिर ये कॉफ का, खांसी आए या छींक आए तो उसमें कोशिश करें कि बाहर नहीं है, एल्बो में या रुमाल में करके सीधे वो नैपकिन पे टिश्यू पेपर में करके उसी टाइम उसको डिस्पोज ऑफ करें। और हैंड वॉशिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, अपनी टेलीफोन मोबाइल में या किसी में ना एक रिमाइंडर डाल दें, ताकि अगर भूलें भी तो वो रिमाइंडर अगर बजेगा तो ये है कि थोड़ा टाइम हो गया, अभी मुझे
साबुन से हाथ धो, बेस्ट है बजाय अगर सोप एंड वाटर अवेलेबल है दैट इज रियली गुड। और बाकी जो फ्रीक्वेंटली टच एरियाज हैं जैसे डोर का नॉब है उसको थोड़ा, या अपना मोबाइल फोन है या ईयर प्लग्स भी हैं, जो चीजें सरफेस कॉन्टैक्ट में है, अपनी टेबल टॉप को साफ कर लें ब्लीच। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.